आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी कश्यप सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज से हम आपकी यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। देखिए, सामान्य ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल सिद्ध होंगे। हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, बांसुरी वादन। नेक्स्ट देखिए, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, 8 बिट्स। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट देखिए, पहली भारतीय महिला मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, रीता फारिया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, लिंबाराम का संबंध है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 7, काली मिट्टी किस फसल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, कपास। देखिए नेक्स्ट देखिए, गूगल सर्च इंजन की स्थापना कब हुई? इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 4 सितंबर 1998। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा, संगीत के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10, कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सिक्किम राज्य की स्थापना कौन से संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 35वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 12, जौ की खेती सर्वाधिक किस राज्य में होती है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, 2021 में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब किस महिला ने जीता? तो इसका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, नाओमी ओसाका, जो कहाँ की थी? जो जापान की। क्वेश्चन नंबर 14, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, 131वां। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, अशोक। क्वेश्चन नंबर 17, फैदोमीटर से क्या मापा जाता है? तो इसका उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेडियो के आविष्कारक का नाम बताइए? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, जी मार्कोनी। क्वेश्चन नंबर 19, पेंसिल में पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट देखिए, प्लासी का युद्ध हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, 23 जून 1757। नेक्स्ट देखिए, भारत में कोविड का पहला मरीज कहाँ मिला था? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 7 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 24, नमक सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, 12 मार्च 1930। क्वेश्चन नंबर 25, U19 & T20 विश्व कप 2020 किसने जीता? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 26, मालगुड़ी डेज पुस्तक है? तो इसका ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, R.K. नारायण। क्वेश्चन नंबर 27, बस पकड़कर लाहौर जाने वाले प्रधानमंत्री है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 28, वसा की जरूरत ज़्यादा किस मौसम में होती है? तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, सर्दियों में। क्वेश्चन नंबर 29, गोबर गैस में कौन सी गैस निकलती है? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 30, मायोपिया रोग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से। क्वेश्चन नंबर 31, ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाली भारतीय महिला है? तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 32,
तानसेन पुरस्कार किस राज्य द्वारा दिया जाता है? तो ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 33, वन इंडिया गर्ल के लेखक है? तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 34, फोबोस और डीमोस किस ग्रह के उपग्रह? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मंगल। क्वेश्चन नंबर 35, अग्निशामक यंत्र में कौन सी गैस होती है?